इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम लोगों की जिंदगी का हाल ये है कि एक दिन में सैकड़ों बार कोरोना शब्द हमारे कान पर गूंजता है। 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोविड-19 ने हर देशवासी को बहुत कुछ सिखाया है। हेल्थ केयर और वेलनेस को लेकर आज जिज्ञासा भी बढ़ी है और जागरूकता भी। हमारे देश में पारंपरिक रूप से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो वेलनेस यानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ओडिशा के कालाहांडी के नांदोल में रहने वाले पतायत साहू जी एक क्षेत्र में बरसों से एक अनोखा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 1.5 एकड़ जमीन पर मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं। यही नहीं, साहू जी ने इन मेडिसिनल प्लांट्स को डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। मुझे रांची के सतीश जी ने पत्र के माध्यम से ऐसी ही एक और जानकारी साझा की है। सतीश जी ने झारखंड के एक एलोवेरा विलेज की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कश्यप जी के नेतृत्व में बिरसा कृषि विद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थी। आज इस कार्य में करीब 40 महिलाओं की टीम जुटी है और कई एकड़ में एलोवेरा की खेती होती है। ओडिशा के पतायत साहू जी हो या फिर देवरी में महिलाओं की टीम, इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ा है वो एक अपने आप में मिसाल है। साथियों, आने वाली 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती होती है। उनकी स्मृति में ये दिन हमें खेती में नए नए प्रयोग करने वालों की भी शिक्षा देता है। मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मेडी हब TBI के नाम से एक इंक्यूबेटर गुजरात के आणंद में काम कर रहा है। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट से जुड़ा ये इंक्यूबेटर बहुत कम समय में ही 15 एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस आइडिया को सपोर्ट कर चुका है। इस इंक्यूबेटर की मदद पाकर ही सुधा चेब्रोलू जी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। उनकी कंपनी में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हीं पर इनोवेटिव हर्बल फॉर्मुलेशन की भी जिम्मेदारी है। एक और एंटरप्रेन्योर सुभाश्री जी ने, जिन्हें भी इसी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट इंक्यूबेटर से मदद मिली है। सुभाश्री जी की कंपनी हर्बल रूम और कार फ्रेशनर के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने एक हर्बल टेरेस गार्डन भी बनाया है जिसमें 400 से ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स हैं। साथियों, बच्चों में मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक दिलचस्प पहल की है और इसका बीड़ा उठाया है हमारे प्रोफेसर आयुष्मान जी ने। हो सकता है कि जब आप ये सोचे कि आखिर प्रोफेसर आयुष्मान है कौन, दरअसल प्रोफेसर आयुष्मान एक कॉमिक बुक का नाम है। इसमें अलग अलग कार्टून किरदारों के जरिए छोटी छोटी कहानियां तैयार की गई हैं। साथ ही एलोवेरा, तुलसी, आंवला, गिलोय, नीम, अश्वगंधा और ब्रह्मी जैसे सेहतमंद मेडिसिनल प्लांट की उपयोगिता बताई गई है। साथियों, आज के हालत में जिस प्रकार मेडिसिनल प्लांट और हर्बल उत्पादों को लेकर दुनिया भर में लोगों का रुझान बढ़ा है, उसमें भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। बीते समय में आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। मैं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोगों से ऐसे प्रोडक्ट की ओर ध्यान देने का आग्रह करता हूं जो लोगों की वेलनेस और इम्यूनिटी तो बढ़ाए, हमारे किसानों और नौजवानों की आय को भी बढ़ाने में मददगार साबित हो। साथियों,
पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहे नए प्रयोग, नए विकल्प लगातार स्वरोजगार के नए साधन बना रहे हैं। पुलवामा के दो भाइयों की कहानी भी इसी का एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बिलाल अहमद शेख और मुनीर अहमद शेख ने जिस प्रकार अपने लिए नए रास्ते तलाशे, वो न्यू इंडिया की एक मिसाल है। 39 साल के बिलाल अहमद जी हाईली क्वालिफाइड है, उन्होंने कई डिग्रियां हासिल कर रखी है। अपनी उच्च शिक्षा से जुड़े अनुभवों का इस्तेमाल आज वो कृषि में खुद का स्टार्टअप बनाकर कर रहे हैं। बिलाल जी ने अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट लगाई है। इस यूनिट से तैयार होने वाले बायो फर्टिलाइजर से न केवल खेती में काफी लाभ हुआ है, बल्कि यह लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आया है। हर साल इन भाइयों की यूनिट से किसानों को करीब 3000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। आज उनकी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में 15 लोग काम भी कर रहे हैं। उनकी इस यूनिट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनमें ज्यादातर ऐसे युवा होते हैं जो कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। पुलवामा के शेख भाइयों ने जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बनने का संकल्प लिया और आज वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।